ऑटो टैक्सी में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि दिल्ली में ऑटो और काली पीली टैक्सी जो है उनका किराया अब बढ़ गया है। और मैं इस वक्त हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं ऑटो वाले भैया से और लोग जो हैं वो उनका क्या मानना है। भैया कितना किराया बढ़ गया है? बढ़ गया है जी 22%, 20% के करीब। पहले कितने पे मीटर डाउन होता था? 25 पे। और अब कितने पे हो रहा है? अब 30 पे। तो ये तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। देखो जी, पुराने किराया मिल जाए वही बहुत है, नया तो बाद में मिलेगा। सीएनजी के रेट कब से कितने बढ़े हैं? देखो ऐसा है, बीच में तो मैं गाड़ी चला नहीं रहा था, अब चलाना शुरू कराया तो 40 रुपये के करीब तो बढ़ ही गए। तो उसके हिसाब से ये क्या ठीक है, जायज़ है, क्या है ये कायदे में? तो सीएनजी में सब्सिडी मिलनी चाहिए थी। ऑटो वाले, ऑटो में भैया कुछ पैसेंजर भी आए हैं, किराया बढ़ा है? हाँ जी, किराया तो बढ़ा, रेंट तो बढ़ा है, बता रहे हैं कि बढ़ा हुआ है किराया, इसलिए कि बोले कि पहले कम लगता था अब ज़्यादा लगेगा, क्योंकि कल से ही बढ़ाया है जी। तो अब ऑटो वालों को ही फ़ायदा होगा, पैसेंजर तो हमेशा ही लॉस में रहता है, हमेशा लॉस में रहता है, आज कोई नई बात तो है नहीं, और चाहे कल से बढ़े या दो दिन से बढ़े, लेकिन लॉस में तो पैसेंजर को ही रहना है। क्या लगता है आपको, मतलब ठीक है, अगर सीएनजी गवर्नमेंट बढ़ा रही है तो उसको भी फ़ायदा मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को देखना चाहिए, क्योंकि इस टाइम में महंगाई काफ़ी टाइम है, हर चीज़ पे अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो फिर आदमी कहाँ से सर्वाइव करेगा। इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, पब्लिक के लिए कुछ तो सोच ही नहीं रहे। सर किराया इतना बढ़ गया है कि इसी ऑटो से ही आया हूँ। अब ये तो कह रहे हैं कि हमने उतने पे ही लिया है, लेकिन ये है कि आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन हमें वहाँ से जब हमने कराया तो हमें पहले से ही बता रहे हैं कि भाई किराया बढ़ गया, हमें किराया, अब आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए, मैं यहाँ पर 80 रुपये में आता था, अब मुझे 120 रुपये देना पड़ रहा है, 50% किराया बढ़ चुका है, तो कितना ज़्यादा वो है। जो हमारा मंथली एक्सपेंस होता है, सब एक जुड़ा हुआ होता है, इनकम सोर्स लिमिटेड है, लेकिन क्या है ना, चीज़ें डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही हैं, हर चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट पता नहीं किसके लिए क्या करना चाह रही है, पता ही नहीं लग रहा। गवर्नमेंट होती हमारे लिए, आम जनता के लिए है, लेकिन वर्क किसके लिए कर रही है, काम किसके लिए कर रही है, वो पता ही नहीं है। कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, आइए। किराया बढ़ा है ये तो ऐसे ही चल रहा है, कोई बड़ा नहीं, हमारे तो बड़ा ले रही है, हम तो पुराने रेट के पैसे ले रहे हैं। अभी कितने पे डाउन होता था मीटर? अब मीटर सर 25 पे ही हो रहा था, 25 पे ही हो रहा है अभी 25 पे ही हो जी रहा सर है। अभी अभी हमारे पास नई जानकारी कोई भी नहीं है। कुछ लोग हैं जिनको जानकारी अभी नहीं है, अधिसूचना कल जो है वो जारी हो चुकी है। भैया किराया बढ़ा है? किराया बढ़ा है, गैस बढ़ी है, हर चीज बढ़ी है जी। अब मीटर कितने पे डाउन हो रहा है, कितना बढ़ गया है? टैक्सी का तो जी 17 या 15 रुपये मीटर है शायद। हाँ जी, तो जिस हिसाब से सीएनजी सरकार ने बढ़ाई थी उसके हिसाब से क्या लगता है आपको, ये किराया बढ़ाना ठीक है या क्या है? सर ठीक क्या है, पैसे बच ही नहीं रहे थे सर बिल्कुल भी, 2000 का काम कर रहे थे तो 1000 की गैस लग रही थी, अभी कुछ बचत होगी? हाँ अब थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा सर। देखिए कुछ और लोग हैं, कुछ और सज्जन हैं जो यहाँ पर, देखिए भैया कितना किराया बढ़ा है अब? किराया 1.5 रुपये बढ़ाया गया। मीटर अब कितने पे डाउन हो रहा है? मीटर 11, अभी तो वही है, डेट कहाँ बढ़ी अभी, वो मीटर के रिवाइजिंग नहीं हुई अभी। कल सूचना जारी हो चुकी है? सूचना तो जारी हो चुकी है, लेकिन हम लोग को अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुए हैं, तो इसलिए हम लोग कोई किराया नहीं बढ़ा अभी इस टाइम। तो आप पुराने रेट से ही? पुराने रेट से ही चल रहे हैं हम लोग। सही कह रहे हैं भैया? हाँ जी, आप पुराने रेट से चल रहे हैं। पुराने रेट पे ही? जी हाँ जी, पुराने रेट से ही। हाँ पुराने रेट से ही आया अभी। तो अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन का हाल है, कुछ लोगों को जानकारी है, कुछ लोगों को नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार ने जो है वो अधिसूचना जारी कर दी है, किराया बढ़ा दिया गया है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।